एक तरफ गर्मी ने आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर रखा है, वहीं दूसरी ओर गर्मी के बेतहाशा बढ़ने के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दुभर हो गया है। दिन की शुरुआत में हो रही तपिश के चलते उत्तर प्रदेश में 45 से 46 डिग्री सेल्सियस पारे की तपिश में पूरा प्रदेश तप रहा है। ड्राई वेदर कंडीशन डेवलप होने के चलते प्रदेश के कई स्थानों पर लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को ना तो सुबह और ना ही शाम को मौसम से राहत मिल सकती है। वहीं राजधानी के रेलवे स्टेशन पर इस तपती गर्मी में भी पानी तक के लिए परेशान होना पड़ रहा है। गाड़ियों की आवाजाही भी समय से ना होने पर और भीषण गर्मी बढ़ने से आम लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। रेलवे स्टेशन पर पानी की व्यवस्था यात्रियों की संख्या के आगे बौनी होती नजर आ रही है। भीषण गर्मी से बचने के लिए कई तरह के उपाय अपनाए गए हैं। जहां दिन के अधिकतम पारे में सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक के अलावा न्यूनतम पारे में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस की तेजी ने रातों को भी गर्म कर रखा है। दिन का न्यूनतम पारा प्रदेश में कई स्थानों पर 35 से 45 के बीच दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में गर्मी और भी भीषण हो सकती है। कैमरामैन आशीष कुमार के साथ शैलेन शर्मा, जनमत न्यूज़।